राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं राम सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात चल रही थी, इसमें अपन फोरम नंबर 3 पढ़ रहे थे समकारिता की, कि अपने को जो समकारिता की अष्टी है उसको ग्रुप जी का उपग्रुप सिद्ध करना था। तो इसके लिए अपने लिखा, क्वेश्चन समझ लिया था। समकारिता की अष्टी की डेफिनेशन क्या होती है? एफ की अष्टी कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू कोई भी अवयव एक्स जो जी में बिलोंग कर रहा है और एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू पी डैश। कर्नल ऑफ एफ बराबर एक्स जो एक्स जी में बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर ई डैश और ई डैश बिलोंग टू जी डैश। देन वी प्रूव दैट द कर्नल ऑफ एफ इज द सब ग्रुप ऑफ जी। देन फर्स्ट वी शो कर्नल ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 5, कि कर्नल ऑफ एफ 5 के बराबर है नहीं होना चाहिए। फर्स्ट शो करना था अपने को कर्नल ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 5। तो इसके लिए माना ई बिलोंग्स टू जी, मान लिया कि ई कोई अवयव है जो जी में बिलोंग करता है, जहाँ जी का तत्समक अवयव है। यहाँ पर ई जी का क्या है? तत्समक अवयव है। तो बताओ एफ ऑफ ई इक्वल टू क्या होगा? ई डैश। और जहाँ पर ई डैश किसके अंदर बिलोंग करेगा? जी डैश में। अब ई डैश जी में बिलोंग करता है, एफ ऑफ ई बिलोंग टू जी डैश। तो बताओ ई, क्योंकि इसका एफ ऑफ एक्स क्या थी कर्नल की डेफिनेशन? कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू जी, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? ई डैश जो किसने बिलोंग करे? जी डैश। एक्स की जगह ई है, एक्स जी में बिलोंग कर रहा है, ई जी में बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ई इज इक्वल टू क्या रहा है? ई डैश, और जो किस में बिलोंग कर रहा है? जी डैश। अतः एक्स जो जो है ई बिलोंग्स टू किस में करेगा? कर्नल ऑफ है ई किस में आ गया? कर्नल ऑफ है में बिलोंग्स करता है। कर्नल ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 5, इसमें कोई ना कोई अवयव इस्तेमाल है एक अवयव, तो ये क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये क्या है? अरिक्त समुच्चय। नोट करो इसको।
ये होगी फर्स्ट कंडीशन, नोट हो गया होगा। कर्नल ऐप की या समकालता की अष्टी बोल सकते हैं इसको, कि परिभाषा से स्पष्ट है कि क्या है अपने पास। कर्नल ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ जी, कर्नल ऑफ एफ क्या है, सबसेट है जी का। और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर, ये सेकंड कंडीशन हो गई थी। अब सिर्फ अपने को दिखाना है कि इसके अंदर कोई भी दो अवयव और वो इनके अंदर दो अवयव ने उनकी संक्रिया करोगे तो किसमें बिलोंग करे जी। थर्ड, नाउ वी शो दैट अपने को शो करना है इफ A B belongs to kernel of F, यदि A और B किसमें belong करते हैं, kernel of F में, then A star B inverse, ये भी किसमें belong करने चाहिए, kernel of F में। then ये भी किसमें बिलोंग करने चाहिए, करना लो है। तो इसके लिए माना ए बी बिलोंग्स टू करना लो है, क्योंकि वन इंटू ई करेंगे तो क्या आएगा ई डैश, तो अपन क्या लिख सकते हैं, f of a equal to a dash, f of b equal to b dash, कर्नल की डेफिनेशन से ये भी किसमें e dash और e dash, क्योंकि क्या होगा के बाद पहले नोट करो इसको। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू जाएगा ई डैश ओ, ये हो जाएगा क्या लिख सकते हैं, बी का इनवर्स और इसको ई डैश ओ ई डैश का इनवर्स, और इसको ई डैश ओ ई डैश लिख सकते हैं वापस। और कोई भी सम से संक्रिया होती है तो क्या होगा अपने पास, ई डैश ओ ई डैश इज इक्वल टू ई।
Didas for A star B. ये हो गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया था? कर्नल ऑफ एफ इज द सब ग्रुप ऑफ ए जी जो कि ए से कर्नल ऑफ एफ नॉट इक्वल टू फाइव। दूसरी कंडीशन आई थी कर्नल ऑफ एफ सबसेट ऑफ जी, और तीसरी कंडीशन आ गई एफ ए स्टार वी इनवर्स इक्वल टू ई डैश। तो तीनों कंडीशन हो गई फर्स्ट सेकंड एंड हेंसे, और ये अपने को क्या करना था प्रूफ ही करना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।